आप सबको नमस्कार। सार्थक और मिर्ज पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। काफ़ी सारी निराशाओं के बाद एक पॉजिटिव समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देने चल रहा हूँ। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखा है, ऐसी फ़िलहाल कोई परिस्थितियां नहीं हैं, ठीक है ना। और एनसीटीई ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि अब वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ख़िलाफ़ जो है न तो पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और ना ही कोई कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। मतलब स्पष्ट है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे भी अगर वो जाते भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो केस लड़ रहे थे तभी उन्होंने प्रभावी पैरवी नहीं की, ठीक है ना। ब्रिज कोर्स करते रहे और उसका संस्थान पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं आपने बनाया नहीं, फिर भी आप ब्रिज कोर्स का नाम ले रहे हो। आप शिक्षा शास्त्र में स्नातक बना रहे हो, उनको डिग्री की मान्यता आप दे रहे हो, लेकिन आप शिक्षा शास्त्र में ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा रहे हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब कहीं पे स्नातक लेवल को जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी 6 to 8 में भी एलिजिबल हैं, तो ये दोहरी मापदंड नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन सच कहता हूँ कि अब जो कुछ भी है वो हम ही लोगों से है और हम ही सभी लोग अब आगे का प्रयास करेंगे, क्योंकि शासन पे दबाव बनाने का मतलब है कम से कम 20 से 25 हज़ार विद्यार्थियों की भीड़ चाहिए, ठीक है ना। 20 से 25 हज़ार विद्यार्थियों की भीड़ चाहिए और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब बीएड विद्यार्थियों में एकजुटता हो। बहुत से लोगों ने कहा कि हमने आपको सपोर्ट किया लेकिन आप घर से नहीं निकले। घर से हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो जो हमको अच्छे से जानते हैं, जो विद्यार्थी अभी नए नए आए हैं वो विद्यार्थी उतना समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता और ईमानदारी से प्रयास किया गया और उन्हीं प्रयासों का ही एक परिणाम है कि आप सभी लोगों को पीआरटी के लिए भी थोड़ा सा मजबूती के साथ पक्ष देखने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में इस पुनर्विचार याचिका के खारिज होते ही तत्काल याचिका पड़ जाएगी। और आप सभी लोग देखिएगा, अभी जिस तरीके से आप सभी लोग मुंह मोड़ करके निराश होकर के बैठ जा रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि भैया के चैनल पे कमेंट करने से या भैया के चैनल पे चैनल ड्रॉप करने से हम पीआरटी में फिर से सम्मिलित हो जाएंगे, तो एज यू विश आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 7000 के छोड़ देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। प्रयास जो हमारा रहता है वो छात्र हित के लिए होता है और ऐसा नहीं है कि मतलब ये चैनल अभी अभी जन्मा है, ये चैनल लगभग 2 साल 2.5 साल पुराना हो चुका है। तो आप सभी लोगों ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है उसका आप सभी लोगों को एडवांटेज भी देखने के लिए मिला है। एनसीटी से वैसे भी कोई उम्मीदें नहीं थी, ठीक है ना। अगर उम्मीदें एनसीटी से होती तो एनसीटी कुछ न कुछ प्रभावी कार्रवाई जरूर करता, क्योंकि इनके ही आदेश से बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया था। क्या उनको उस समय नहीं लगा था जब इन्होंने अध्यादेश जो राजपत्र जारी किया था, इस समय वो नहीं बोल सकते थे कि इसमें नियम के विपरीत है ये, अगर आपको संशोधन करना है तो सारी चीज़ें इक्विवेलेंट करके तब ले आइए फिर हम शासनादेश जारी करेंगे। नहीं, फिर इसमें उनका ज्ञान जो है वो शून्य हो गया था, ठीक है ना। और उन्होंने पॉलिसी मैटर का नाम लेकर के कर दिया। अब समस्या इस बात की है कि बीएड के विद्यार्थी जब आकर के बीच मझधार में, अभी तो आप लोग पीआरटी से केवल अनएलिजिबल हुए हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या तो उन विद्यार्थियों की है जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों पे भी समस्याएं हैं। डिक्लेरेशन याचिका हो चाहे केवीएस या बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी हो गया आपका, उत्तर प्रदेश शासन हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन तमाम राज्यों को विशेष अनुमति पत्र प्राप्त हो चुका है जिसमें बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके पीआरटी की भर्ती को कर सकते हैं। 5 वर्ष के लिए शिथिलता प्रदान की गई है, तो 5 वर्ष की शिथिलता का मायने नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक दो राज्यों में जहाँ जहाँ पत्र शासन ने लिखा उनको अनुमति मिल गई।
अब भाई ये चीज़ें एमएचआरडी भी कंफर्म कर दे, क्लियर कर दे, क्योंकि उनका ही तो निधिगत मामला था, ठीक है ना। एनसीटीई तो ठीक है, चलिए उन्होंने कह दिया कि अब हम पुनर्विचार याचिका में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हमने आपसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा भी नहीं। पुनर्विचार याचिका विद्यार्थियों की है, ठीक है ना, हम लोगों के टीम के सदस्यों की है। केवीएस पे याचिका हम लोगों के सदस्यों की है। बीपीएससी के लिए हम सभी लोगों ने बिहार सरकार को भी पार्टी बनाया, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमारे भाई बहनों का थोड़ा सा भला हो सके, ठीक है ना। और पीआरटी में आप सभी लोगों को सम्मिलित करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, केंद्र सरकार के खिलाफ जा करके उनको झुकाना। और केंद्र में ऐसी सरकार है जो आप सभी लोगों के मुद्दों को, आप सभी लोगों की बातों को सुनती तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि मतलब आप संख्या बल कितना दिखा पाते हो, ये मायने रखता है। तो आप सभी लोगों को अगर संकोच है सपोर्ट करने से, ठीक है ना, तो सिर्फ एक दो लोगों को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, आप सभी लोगों को पूरी तन्मयता के साथ जुटना होगा। आज शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा है, क्योंकि विद्यार्थी इस समय बहुत ज़्यादा नर्वस हैं एलटी ग्रेड के विषय कम्बिनेशन को लेकर के, तो उसमें तमाम उन चीज़ों पर बात विवाद होगा। देखते हैं क्या चीज़ें एनसीटीए ने लिख करके भेजा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के इन तमाम मुद्दों को क्लियर किया जाएगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो प्रस्तावना लिखी गई है, उस प्रस्तावना में क्या नियमावली है, क्या कुछ सम्मिलित किया गया है, विद्यार्थियों को आयु वर्ग में छूट मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। पीसीएस के हमारे जो ओवर एज विद्यार्थी हैं, भाई बहन हैं, क्या उनको आयु वर्ग में छूट मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम मुद्दों को क्लियर किया जाएगा। यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, और साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ याची हैं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो जुड़ सकते हैं। वजह यह है कि संडे तक पूरी लिस्ट प्रिपेयर होगी, और मंडे को ये लिस्ट वो कोर्ट में जमा भी हो जाएगी, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रभावी पैरवी हो रही है, तो आप सभी लोगों को भी एकजुट होना होगा, ठीक है। अगर जितने भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करना चाहें वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हो, है ना, उनसे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हो, तो उस तरीके से आपका जो है इफ़ेक्टिव मोड भी होना चाहिए, ठीक है। शासन तभी आपके बारे में सोचती है जब आप में एकता प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब विद्यार्थी धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं, जैसे उस दिन हम लोगों ने फतेहपुर में पैदल मार्च निकाला था, मुश्किल बमुश्किल 250 विद्यार्थी, आप लोगों से कहीं बेहतर तो जौनपुर, संत रविदास नगर और अंबेडकर नगर और बलरामपुर के विद्यार्थी हैं, जो कि एक मैसेज मात्र कर देने से उन्होंने इतने बड़ा जुलूस का आयोजन कर दिया कि लगभग 10 से 12 हज़ार विद्यार्थी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से यही विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर आप पीआरटी में एलिजिबल होना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ अभी कुछ नहीं समाप्त हुआ है, ठीक है ना, अभी सारी चीज़ें सारी पॉसिबिलिटीज़ बाकी हैं, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी एनसीटी की वेबसाइट पर पूरी चीज़ों का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। 2018 की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही रद्द किया है, तो उस अधिसूचना को आप वैलिड मान भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, और वो अधिसूचना वैलिड होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इनवैलिड कर दिया है। अब समस्या इस बात की आ रही है कि इस अधिसूचना को कब की डेट से जारी करवाया जाए और कब की डेट से इसको लागू करवाया जाए, ताकि बीएड के विद्यार्थी फिर से पीआरटी में एलिजिबल हो सकें, ठीक है ना। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि केवीएस में नौकरी के मुहाने पे हैं, बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 3-3, 4-4 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, 2018-19 में उनकी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, आप सभी लोग तो पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी ढूंढ रहे हो, वो नौकरी कर रहे हैं, वो वेतन पा रहे हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, ठीक है ना। आज कुछ विद्यार्थियों का मंतव्य बना है एनसीटीई जा कर के प्रदर्शन करने का, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब एक ही गुट में दो फाड़ हो जाएं, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी एक सुखद ये समाचार है कि आप सभी लोगों के पुरानी भर्तियों के जितने भी पद थे उसको नई भर्ती में इंक्लूड करने की का जो लेटर था वो प्राप्त हो चुका है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आपके लोक सेवा आयोग को। अब जितने भी अध्याचन आपके आ रहे हैं वो प्लस में हैं, ठीक
ठीक है ना। और मोटा माटी सारे पदों को जोड़ने के बाद आप लोगों का ये विज्ञापन 10,500 से लेकर के 11,200 तक का एलटी ग्रेड का बनता है, ठीक। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड की जो नियमावली है संशोधित होने के बाद ये टीजीटी की नियमावली पर हो जाएगी। टीजीटी की नियमावली का मतलब समझ रहे हैं कि आप सभी लोगों को जो एलिजिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी वो कला की एलिजिबिलिटी, जो विद्यार्थी परेशान रहते हैं, जो मतलब प्रावधिक वाले हैं, टेक्निकल फाइन वाले हैं, बीएफए वाले स्टूडेंट हैं, वो टीजीटी की नियमावली पर आ जाएंगे एलटी ग्रेड में। तो इन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया आज एक विस्तृत मीटिंग का आयोजन कर रही हैं और तमाम अधिकारीगण उसमें सम्मिलित होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निर्णय निकल करके आता है। जो भी अपडेट निकलेगी तत्काल आप लोगों को शाम की वीडियोज में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब तक कोई चीज़ें कन्फर्म नहीं होती हैं तब तक चीज़ें जो है आपको बताई नहीं जाती हैं, ठीक है ना। और कई विशिष्ट राज्यों को बीएड विद्यार्थियों को साथ लेकर के भर्ती करने का आश्वासन अनुमति पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। तो सिर्फ हमें 5 वर्ष की एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू एलिजिबिलिटी चाहिए, अपने नेशन स्तर पर चाहिए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को भी एकजुट होना होगा। और जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि आपने सपोर्ट किया हमने कुछ नहीं किया, तो आप सभी लोग अगर छोड़ रहे हो चैनल तो आप छोड़ करके जा सकते हो, ठीक है ना। हमारा जो कार्य है वो हम तन्मयता से करते रहेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोगों को पीआरटी में फिर से ले आएँ, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ गोलबंदी करनी है, ठीक है ना। और शासन से हमें सहयोग न मिले मत मिले, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीएड के विद्यार्थियों की लड़ाई को अंतिम द्वार तक हम सभी लोग लेकर के जाएंगे, मतलब संविधान पीठ में भी याचिका होगी। जब तक उधर से कोई डिक्लेरेशन नहीं हो जाता है तब तक, इसलिए लीगल नोटिस पे भी केवीएस और बीपीएससी के रिजल्ट को रुकवाया गया है। तो आप सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।